नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन कागज की। जी हां, बिहार के एम्बुलेंस घोटाले पर News24 के खुलासे के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज हो गई है। इस घोटाले के जांच के आदेश से भड़के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टुन्ना पांडे ने 21 में से 17 एम्बुलेंस खरीदने की अनुशंसा की थी। अब टुन्ना पांडे जी ने कहा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। टुन्ना पांडे ने कहा कि वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था, लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। टुन्ना जी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को तो जेल में होना चाहिए था। टुन्ना पांडे के इस बयान के बाद बीजेपी अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद भी टुन्ना पांडे ने नीतीश के खिलाफ बयान दे दिया और ये बात दोहराई कि उनके पास जनादेश नहीं है। नीतीश कुमार के रहम करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे, सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता कोई नेता है? ऐसे बताइए ना, परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ठेला गए तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। तो टुन्ना पांडे के बयान से जेडीयू बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू ने टुन्ना पांडे के बयान पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी से एक्शन लेने को कहा है। हालांकि आरजेडी टुन्ना पांडे के बयान पर अपना समर्थन दे रही है। पहले शराब व्यवसायी थे, एक्सीडेंटली राजनीति में आ गए। तो राजनीति में लोगों को संस्कार नहीं खोना चाहिए। नीतीश कुमार को जेल भेजने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं लिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में कभी लिप्त ही नहीं रहे। सब लोग जानता है कि टुन्ना पांडे जी का भाई किस दल से चुनाव लड़के विधायक बने हैं। पार्टी में रह के, एनडीए में रह के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को मदद करने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी को जेल भेजने का वो सपना जो है ना, लोग रात में सपना देखते हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सब लेना है नोटिस, उनके दल में रहकर हमारे नेता के ऊपर बोलेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। जनता का मैंडेट था, वोट था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन परिस्थितियों के ये मुख्यमंत्री हो गए हैं। इनका 70 सीट था, 43 सीट पर आ गई है। तो जनता तो इनको नकार दी है। अब संयोग से, दुर्भाग्य से, जो भी हो, ये मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं पटना का। मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अब बिहार की सियासत में हलचल तो होगी ही, लेकिन कई सवाल भी उठ गए हैं। किस तरह से बीजेपी इसे मैनेज करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ सियासी हलचल चल रही है इस वक्त बिहार में? ये बिल्कुल अचानक सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी कहानी ऑपरेशन कागज से शुरू होती है। ऑपरेशन कागज दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए। चूंकि 21 एम्बुलेंस का घोटाला हम लोगों ने दिखाया था, यानी News24 ने दिखाया था, उसमें 17 एम्बुलेंस जो थे वो टुन्ना जी पांडे के नाम से थे। तो निश्चित रूप से जब सीएम ने यानी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उसके बाद टुन्ना जी पांडे काफ़ी बौखला गया और उन्होंने सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर दिया। और उन्होंने कहा कि 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जदयू 2 नंबर की पार्टी थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जदयू यानी 3 नंबर की पार्टी थी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। कुछ सालों पहले जो शहाबुद्दीन ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति बस मुख्यमंत्री हैं, उसी बयान को टुन्ना जी पांडे ने दोहराया। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति बस मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से इस बयान के बाद सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। फिलहाल बीजेपी ने नोटिस जारी किया है और टुन्ना जी पांडे को जवाब देने को कहा है, लेकिन जदयू
के नेताओं का मानना है कि हम किसी भी कीमत पर जब तक टुन्ना जी पांडे को निकाला नहीं जाएगा उससे नीचे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऑपरेशन कागज ने जिन सच्चाइयों को सामने रखा है, जो संलिप्तता है लोगों की उसमें, अब सवाल जब उठ रहे हैं तो सियासत देखिए सामने आ गई है। और एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। जब एक्शन लिया गया इस मामले में, जांच चल रही है, प्रशासन इस मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया सौरभ आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।